इंदौर शहर में लगातार बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के द्वारकापुरी और भवरकुआ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बदमाशों द्वारा मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। फरियादियों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के सामने आए, जहां शांतिलाल प्रजापति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि दो अज्ञात बदमाश द्वारा मेरा मोबाइल छीनकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और भाई दूसरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां अनिल सोलंकी जो कि 119 सेक्टर बी के रहने वाले हैं, वह अपने निजी काम से घर के बाहर निकले थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन द्वारा मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। और शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। घटना सामने आई, किस तरह से जांच होता है? दो थाना क्षेत्रों में जो है मोबाइल लूट की घटनाएं हुई हैं, जिसमें आरोपियों के द्वारा मोबाइल छीना गया है, और उसमें जो है वो जो मुख्य रूप की सूचना है सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उनके आधार पर विवेचना की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।